Good morning, my dear lovely students. How are you all? I hope you are doing well. We have already completed the first unit and today we will continue our second unit. The first chapter of our second unit is I am lucky. Lucky means Bhagyashali, Kismat Wala. The TLO of this lesson is, of today's class is, to understand the meaning of the poem and enjoy the poem while singing it. So let's start our poem. If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. बच्चा कह रहा है कि अगर मैं एक बटरफ्लाई होता मतलब एक तितली होता तो मैं थैंकफुल होता धन्यवाद होता कृतज्ञ होता एहसानमंद होता थैंकफुल मीन्स एहसानमंद होना फॉर माई विंग्स विंग्स मतलब पंख तो अगर मैं बटरफ्लाई मतलब अगर मैं तितली होता तो मैं एहसानमंद होता किसके लिए अपने पंखों के लिए नेक्स्ट इफ आई वर अ मैना इन अ ट्री I would be thankful that I could sing. अगर मैं पेड़ पर बैठी हुई एक मैना होती तो मैं एहसानमंद होती कृतज्ञ होती किसके लिए कि मैं गा सकती हूँ कोयल गाती है ना बहुत प्यारा प्यारा दोबारा इफ अगर मैं एक मैना होती पेड़ पर पेड़ की एक मैना होती तो मैं एहसानमंद होती कि मैं गा सकती हूँ नेक्स्ट इफ आई वर अ फिश इन द सी I would be thankful that I can wriggle and giggle with giggly. अगर मैं समुद्र सी मतलब समुद्र अगर मैं समुद्र की मछली होती तो मैं कृतज्ञ होती एहसानमंद होती किसकी कि मैं लोटपोट हो सकती हूँ खुशी के साथ ग्ली मतलब उल्लास खुशी wriggle and giggle means लोटपोट होना तो जो मछली होती है वो समुद्र में लोटपोटी होती है खुशी खुशी मतलब घूमती रहती है कभी आगे कभी पीछे तो यही मतलब है कि अगर मैं समुद्र की मछली होती तो मैं कृतज्ञ होती एहसानमंद होती किसकी कि मैं खुशी के साथ लोटपोट हो सकती हूँ सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी नॉट यू बट मी तो आई जस्ट थिंक मुझे लगता है मैं सोचती हूँ आई एम लकी टू बी मी कि मैं लकी हूं मैं भाग्यशाली हूं खुद होने के लिए नॉट यू बट मी तुम जैसी नहीं खुद होने के लिए मतलब हम जैसे भी हैं हम उसके लिए हमें लकी फील करना चाहिए द पोम इज ऑल अबाउट दैट कि हम जैसे भी हैं हम उसके लिए उस गॉड को थैंकफुल होने चाहिए कि एहसानमंद होने चाहिए कि उन्होंने हमें बनाया दूसरों जैसा नहीं जैसे हम हैं वैसे ही सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी तो मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ जैसी हूँ वैसे ही रहने के लिए तुम्हारी जैसी नहीं अपने जैसे रहने के लिए इफ आई वर एन एलिफेंट आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक मैं अगर मैं एक हाथी होती एलिफेंट मतलब हाथी होती I would be thankful. तो मैं thankful होती एहसानमंद होती किसके लिए कि मैं अपनी सूंड उठा सकती हूँ रेज मतलब उठाना ट्रंक मतलब सूंड तो मैं अपनी सूंड उठा के हाथी अपनी सूंड उठा के पानी फेंकता है इसका मतलब वही है नेक्स्ट इफ आई वर अ कैंगरू या कंगारू ठीक है सो वी कॉल इट कैंगरू ऑल्सो एंड कंगारू ऑल्सो सो इफ आई वर अ कंगारू आई वुड ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून हम सबको पता है जो कंगारू है वो कहाँ मिलता है ऑस्ट्रेलिया में इट्स एन एनिमल एंड ये देखो ये वाला जो एनिमल है दिस इज कॉल्ड कंगारू कैंगरू और कंगारू ठीक है और ये जो होता है वो हॉप कर ये चलता नहीं है ये हॉप करता है कूदता है तो ये बोल रहा है कि अगर मैं कंगारू होता तो मैं क्या करता ट्राई मतलब कोशिश करना मैं ट्राई करता किस चीज का राइट अप टू द मून कि मैं कूद कूद के कहाँ पहुंच जाऊं मून के पास चांद के पास इफ आई वर एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई एट आर्म्स ऑक्टोपस बेटा ये एनिमल है ये वाटर में रहता है वाटर एनिमल है और इसके एट आर्म्स होते हैं आठ भुजाएं होती हैं तो कह रहे हैं कि अगर मैं एक ऑक्टोपस होता तो मैं थैंकफुल होता
मतलब कृतज्ञ होता है, एहसानमंद होता है किस चीज़ के लिए, कि मेरे 8 आर्म्स हैं, 8 भुजाएं हैं। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। तो बच्चा बोल रहा है कि मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं हूँ, ना तुम जैसा हूँ ना किसी और जैसा हूँ, पर अपने जैसा हूँ। वॉट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी, वॉट मतलब क्या, आपको क्या लगता है या आप क्या सोचते हो, यू वॉन्ट टू बी, आप क्या बनना चाहते हो। डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी, क्या आप मेरे जैसा बनना चाहते हो, लाइक मी मतलब मेरे जैसा, क्या आप मेरे जैसा बनना चाहते हो, और जस्ट यू, जस्ट यू, या फिर जैसे आप हो वैसे ही रहना चाहते हो। सो द पोम इज ऑल अबाउट कि जो जैसा है वो उसी के लिए थैंकफुल है भगवान का या अपने ऑलमाइटी का कि उन्होंने उन्हें वैसा बनाया। ठीक है, तो ये एक्चुअली पोम आपको उसी बारे में बताती है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। नाउ कंप्लीट दिस पोम इन योर नोटबुक एंड राइट द पोम, एंड इफ इट इज पॉसिबल शेयर द वर्क विद मी एंड राइट नीट एंड क्लीन। आई रीड द पोम अगेन बट विदाउट ट्रांसलेशन। इफ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। If I were a manna in a tree, I would be thankful that I could sing. If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. So I just think I am lucky to be me, not you but me. If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. If I were a kangaroo or kangaroo, I would try to hop right up to the moon. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. So I just think I am lucky to be me, not you but me. What do you think you want to be? Do you want to be like me or just you, just you? We will do this poem with action day after tomorrow and will continue, and you, because tomorrow is Sunday, so I'm giving you one work. You have to write down the new words in your notebook and one sentences with the each given word: butterfly, manna, fish, kangaroo, octopus. Butterfly means titli, manna is already a hindi mein bhi isko manna hi bolta hai, it's a bird. Fish machli, कंगारू को भी इंग्लिश में हिंदी में कंगारू ही बोलते हैं, ऑक्टोपस को भी ऑक्टोपस ही कहा जाता है। तो यू हैव टू राइट डाउन वन सेंटेंसेस विद द ईच गिवन वर्ड, बट नॉट टुडे, टुमारो, बिकॉज टुमारो इज संडे। सो टुडे योर वर्क इज ओनली टू राइट डाउन दिस पोम इन योर नोटबुक विद गुड हैंड राइटिंग। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।